ऑपरेशन भेड़िया को लेकर बहुत बड़ी खबर है। भेड़िये को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, यानी अब भेड़िये का आतंक खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आदमखोर भेड़िये को गोली मारने का आदेश जारी हुआ है। इसके पहले तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी ताकि भेड़िया जो है वो पकड़ में आ जाए, लेकिन दो भेड़िये अभी भी बचे हुए हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे, बार बार टीम को चकमा दे रहे हैं और इस बीच वो और भी ज्यादा हिंसक हो चुके हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अब देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। तो भेड़िये को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब भेड़िये का आतंक खत्म होने वाला है और ऐसे में क्योंकि हमने देखा कि लगातार एक घर में भेड़िया पांच पांच बार हमला कर रहा है, कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, 50 गांव में दहशत का माहौल है और देखिए कैसे बच्चे पर यह हमला हुआ है। इसके बाद अब गोली मारने के आदेश दिए गए हैं भेड़िये को, तो देखते ही गोली मारने के आदेश हैं और माना यह जा रहा है कि इसके जरिए भेड़िये का आतंक अब खत्म होने वाला है। तो देखिए कल से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अमावस की रात में भेड़िया जरूर निकलेगा और वो हमला भी करेगा और ये डर सच साबित हुआ। भेड़िया आया, उसने हमला भी किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि गांव में पहरा दे रहे लोग बच्ची की आवाज सुनकर दौड़े, फिर भेड़िया लोगों को देखकर भाग निकला। इस हमले के बीच पहरा दे रहे लोग अगर नहीं पहुंचते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई। लेकिन अब भेड़िये के आतंक को अंत करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अब भेड़िये को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। अमावस की रात में भेड़िया खूंखार हो गया, उसने बच्ची पर हमला किया। हालांकि वहां पर आपको बता दें कि जो लोग पहरा दे रहे थे वो जब भाग कर पहुंचे वहां तो भेड़िया वहां से भाग गया। पूरी रात वहां सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अब तक 34 लोग भेड़िये के हमले में घायल हुए हैं, 10 लोगों की जान ये ले चुका है। ग्रामीणों में दहशत मची हुई है, लगातार दिन रात वो अपने परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। बहराइच में आदमखोर की दहशत, चप्पे चप्पे पर लोगों की पहरेदारी, भेड़ियों के जबड़ों में एक और शिकार, हमरे की रहा है पोती, हमार हमरे की रहा है, जो जैसे साहेब आवा है तैसे छीना पोती, तो हम मार दी सिया घाटी थी, पोती की घाटी पे मार दी, गर्दन पे। हाँ, खून से सब सकता वो ही नहींगा, हम अपने से इनके वो दादा दौरी हमरे पोती लेगा है, इतना से बचाए बाबा कौन मेरे के, का करी दादा जब घर कुरिया ना आई है, तो वैसे कटा रहा है कौन मेरे लगी, अल्लाह बचाए दी, अस्पताल नहीं कहेंगे है अब। रोइए मत, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये जो ये आपने गेट लगाया था, ये गेट बंद रहता है, गेट बंद था। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ हर कोई जगह है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, लोगों के हाथों में लाठियां हैं, हथियार हैं, इलाके में पटाखों का शोर है, लेकिन इतनी सुरक्षा और इतने लाव लश्कर के बीच भेड़िये के एक और हमले ने दहशत की एक और लकीर खींच दी। मच्छरदानी लगाया गया था और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी। खून के कुछ निशान अभी आप यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ब्लड यहां पर है, जरा यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और ये मच्छरदानी है। देखिए गोला दागे जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी है, पटाखे दागने जो आवाज आ रही है। दरअसल अगर आसपास भेड़िया है तो यहां से भाग जाए, इसलिए ये पटाखे दागे जा रहे हैं। एक फिर तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए ये मच्छरदानी है जो लगाया गया था, भेड़िया ने जब अटैक किया तो ये मच्छरदानी यहां से हट गया। कहां ये देखिए, ये है भेड़िये के पंजे का निशान, आदमखोर भेड़िये के पंजे का निशान। देखिए तस्वीरों में भेड़िया इस साइड से आया था कि उधर से आया था, किधर, यानी देखिए एंटर किया यहां से भेड़िया, इधर से होके उसके पंजे का निशान यहां, और मासूम को यहां पर लेके लेटे हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमावस की रात अनहोनी की आशंका पहले ही जताई जा रही थी,
और लोग उसी आशंका से डरे सहमे होकर गांव की पहरेदारी कर रहे थे। अब हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले छत के ऊपर देखिए लोग जग रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर लगातार पहरेदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, इस गांव के लोग, आप लोग इसी गांव के हैं जी? गांव का नाम क्या हुआ? सिंगिया नसीरपुर जी। भेड़िए का आतंक है जी? जी बहुत ज्यादा। देखे गए हैं क्या भेड़िए? जी जी देखे गए हैं जी। आखिरी बार कब देखा था भेड़िया? कल रात में 2 बजे के लमसम में कुछ मूवमेंट हुआ था इधर। अमावस की रात किस कदर भारी थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पूरी रात लोगों ने अपने छतों पर जागते हुए काटी। मैकीपुरवा गांव की तस्वीरें भी देख लीजिए। अमावस की रात, घोर काली अंधेरी रात में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस गांव से सूचना मिली है। आज सुबह में लोकेशन इसी गांव में देखा गया है आदमखोर भेड़िए का, वो भेड़िया जो आज रात ऐसा कहा जाता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अनेक कहानियां हैं अमावस की रात को लेकर। और तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहां पर तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 बजे, साढ़े बारह बजे यहां पर टॉर्च के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है। उस घर की कहानी भी आपको दिखाते हैं जहां भेड़िया अब तक 4 बार हमला कर चुका है। छोटेलाल जायसवाल का घर है ये, और ये घर देखिए आप। सबसे पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाइए, जरा ये सीढ़ी दिखाइए। दरअसल जो आदमखोर भेड़िया है वो 4 बार, आदमखोर भेड़िया 4 बार इस घर पर हमला कर चुका है और लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के गांव वाले यहां पर इकट्ठा हुए, उसके बाद आदमखोर भेड़िया यहां से भागा है। ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं, इस सीढ़ी से इसी तरीके से आदमखोर भेड़िया ऊपर चढ़कर ठीक यहीं पर था कि बाकी परिवार के सदस्य और बच्चे जो है छत पे सो रहे थे। एक बुजुर्ग जिनकी नजर पड़ी भेड़िए पे, उन्होंने देखा सबसे पहले और उसके बाद शोर मचाने के बाद आसपास के जो लोग पहरादारी कर रहे थे वो लोग जो हैं वो भाग के आए यहाँ पर, और उसके बाद भेड़िया यहाँ से भागा है। दावा किया जा रहा है कि भेड़ियों ने अपनी दहशत का दायरा बढ़ाकर 50 गांव तक कर लिया है। रात का अंधेरा, काला घना अंधेरा, आज की रात अमावस्या की रात है जिस पर ये माना जा रहा है कि भेड़िए काफी एग्रेसिव होते हैं। इस गांव के लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इनसे मैं कहूंगा ये दिखाएं कि आखिर आज इतनी तादाद में ये गांव के लोग आखिर इतनी तेज क्यों चल रहे हैं। और गांव में भारी संख्या में आज, चूंकि कल इस इलाके में एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर उसकी जान ले ली थी और कई महिलाओं को घायल किया था। क्या बता रहे हो, क्या दिखाया आपको, ये क्या दिखाया? इधर आइए, मैं कहूँगा ये दिखाएं, ये कि देखिए मैं ये किस तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। ये देखिए गांव वाले बता रहे हैं कि इस तरह भेड़िया दिखा है। तलाश करिए, आप लोग तलाश करिए उसको, आगे जो है कहाँ कहीं भाग न जाए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी अपना, इस ये चूंकि नदी का किनारा है, ये मैसी तहसील का ये मैकूपुरवा गांव है। अब देखिए आपके किस तरीके से सर्च किया जा रहा है, ये लोग जो है इसको तलाश कर रहे हैं कि कहीं भेड़िया इसी में बैठा ना हो। कहाँ दिखा था आपको अभी कौन? भाई उसी जगह दिखा, इधर भाग के आया। कौन सा इलाका है ये? मैकूपुरवा गांव है। तो कब से आप लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, काफी दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कोई घटना कल हुई है क्या यहाँ पर अगल बगल में? जी 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 जी। भेड़ियों के हमलों से हर कोई डरा सहमा है, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों को भेड़ियों के हमले से सावधान रहने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के, चाहे कोई कृषि विभाग का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार गाँव के लोग जग रहे हैं। तस्वीरें देखिए गाँव के लोगों की, और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और ये 50 गांवों में इस तरीके से जागरूकता किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जरा दिखाऊं कि सूचना सावधान, एक अति आवश्यक सूचना, आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
पिपरी मोहन गांव की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां लोग मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरी मोहन गांव में, और यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं सबसे अलग। और यहां पर देखिए बाइक से गांव वाले प्रधान के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहां पर देखिए गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी इनके साथ मौजूद हैं, हाथों में इनका टॉर्च है, सबके टॉर्च जले हुए हैं। आप लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी सर। आज अमावस की भी रात है, अमावस्या की रात है, तो ऐसे में भेड़िए का डर ज्यादा हो गया क्या? सबसे ज्यादा है सर, सबसे ज्यादा। और भी यहाँ पर शख्स हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मौर्य सर, प्रधान मौजूदा। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ के मौजूदा। अमावस की रात है, घोर अंधेरी काली रात है, ऐसे में भेड़िया ज्यादा ताकतवर हो जाता है? जी, हमला कर सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है उसका। भले ही ये डरावनी रात बीत चुकी है, लेकिन दहशत अभी भी कायम है।